उसका पैसा लगाता हूँ। अच्छा, यानी पशुपालन भी अच्छी तरह करते हैं आप? हाँ सर। अच्छा मुझे बताइए गणेश जी, सच बताना, हाँ सर, खेती में ज्यादा कमाई होती है कि पशुपालन के अलावा? पशुपालन से मेरे को दूध मिलता है और उस दूध को मैं बेचकर मेरा परिवार और मेरे खेती में भी उसका राशि का चयन होता है सर जी। अच्छा फसल भी? ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तो सारे किसानों का मन करता है कि फसल बीमा लेंगे? हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए। देखिए मुझे बहुत खुशी हुई कि और बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ। उसे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। चलिए गणेश जी, मुझे अच्छा लगा आपने सारी योजनाओं का लाभ लिया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री गणेश राजन भोसले जी को आमंत्रित करूंगा। वे पीएम किसान योजना के साथ साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री भोसले जी। मेरा नाम गणेश राजेंद्र भोसले है। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के मातुला गांव का रहवासी हूं। अभी मेरे पास 3 हेक्टर जमीन है जिस पर मैं सोयाबीन और तूर की फसल का पहले यही खेती में काम था, सोयाबीन, तूर, चना। और खेती के सिवाय भी कुछ करते होंगे कि सिर्फ खेती करते हैं? नहीं, खेती के सिवाय